और अच्छा हुआ फेस मेंट लगा। और ये हेलमेट देखो, स्क्रैच पड़ गए हैं बिल्कुल। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल जेड एन जे ब्लॉग्स। सो गाइस, क्या हाल है आप सब लोग का? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, गुड हूँ। और यार, बहुत टाइम से ना बहुत बादल बादल हो रहे थे, बहुत टाइम से ना बारिश हो रही थी, तो व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिक्कतें हो रही थी व्लॉग शूट करने में, क्योंकि आधे आधे व्लॉग शूट हो रहे थे तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। सो अब निकल चुके हैं घर से और थोड़ा जाते हैं आज थोड़ी राइड पर, बहुत दिन बाद मौसम खुला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं रामनगर को, रामनगर से पेट्रोल फिलअप कराते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो यार गाइस, एंड गाइस सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा। तो गाइस छोटी सी बिल्ली देखते हैं एक। ओहो, नहीं पड़ी गाइस सही करके। अभी मेरे बहुत दिन से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी गाइस, तो एक तो मज़ा भी नहीं आ रहा बाइक चलाने में, ऊपर से प्रैक्टिस भी नहीं करी है तो अजीब सा हो रहा फील। चाचा सुयद और अपनी बाइक अब। सो गाइस, अभी के घर आए थे और इसका ना आज इसने बताया कि यार उसका सीन हो गया कुछ, तो इसका ऑयल का डेन नट ना ऑयल का फिलअप नट टूट गया है, तो इसका कैप डलवाते हैं। नहीं अजीम भाई के वहाँ चलते हैं। सो निकलते हैं गाइस। एंड गाइस, अभी का टीन सेट भी डल लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्चुनर खड़ी होने वाली है इसकी, यहाँ फॉर्चुनर होगी और यहाँ डुकाटी खड़ी होगी, तो इसके लिए ये टीन सेट डाल दिया है, क्योंकि बारिश में भीगे ना तो महंगी चीज़ है ना, है ना, हाँ ना, हाँ बोल, हाँ बोल ना, अरे जो कह रहा हाँ बोल तू बस। चलो तो भाई, ये मतलब जो मैं कह रहा था वो सच है, ये ना बोल रहा है, तो मिलते हैं। तो भाई निकल चुके यहाँ से, एक बिल्ली दर नहीं पड़ी। तो भाई पहुँच चुके हैं अजीम भाई की शॉप पे, और तो दिखाते हैं इनको। तो गाइस, हमने इस पर नट लगा दिया है, ये है नट इसका। अब हम चलते हैं केवीआर की तरफ, एक दोस्त और आ रहा है हमारा। चलिए, तो आज देखते हैं गाइस, बस बारिश ना हो जाए, मौसम तो सही हो रहा है। आज संडे है, आज हम बहुत टाइम से हमने राइड नहीं करा, क्योंकि व्लॉग हमारे इसलिए नहीं आ रहे, डेली डेली बारिश हो जा रही थी, इस चक्कर से हम व्लॉग नहीं बना पा रहे। आज थोड़ा मौसम सही है और संडे भी है, तो हमने सोचा करते हैं चलते कहीं घूमने। ये देखो कैसे चला रहा गाड़ी। तो गाइस पहले फ्यूल अप करवा लेता हूँ मैं, तो फ्यूल अप करा लिया, अब हम चलते हैं केवीआर की तरफ। आ जा। ओ मौसम देखो गाइस, मौसम तो बहुत सही हो रहा है। आओ, कौन आ रहा है? चले। सो गाइस फाइनली ग्रुप निकल चुका है, ग्रुप आ चुका है, सो निकल रहे हैं यहाँ से। आओ फिर, आओ जलाल जी। सो यहाँ से देखते हैं डेस्टिनेशन क्या होती है, वहीं को निकलते हैं, कहाँ को जाते हैं। सो ये अभी भी आ रहा है, आओ फिर आओ। तो निकलते हैं फुल पावर।
एंड गाइस सबको पीछे कर दिया है और सबसे आगे आ चुके हैं फुल पावर। सो अभी भी पता नहीं क्यों नहीं भगा रहा आजकल क्या बहुत टाइम बाद आया तो उसके भी होगा। तो भाई ये बंदा ना जहाँ मैं ना बोलूँगा वहाँ आ जाता, फिर इसका रोज कर दिया और देखो इसमें क्या बन रहा है पीछे से। इसको पीछे करते हैं हनुमान मंदिर के पास, रुकते हैं आगे तो उनका वेट करते हैं, आने देते हैं फिर चलते हैं फुल पावर। सुरेश मुकेश भाई आ चुके हैं सामने और जलाल जी तेल डला रहे हैं, पेट्रोल डला रहे हैं। सुरेश जलाल जी आ चुके हैं, तेल डला रहे थे। चलो फिर चलो तुम आगे निकलो फिर। तो भाई निकलते हैं फुल पावर, अब जलाल जी पहुंच चुके हैं, सारे राइडर आ चुके हैं, गेयर फुल डाउन करते हैं। चलो आजा भी आजा, तो इनको फिर पीछे करते हैं सबको। एंड गाइस पहुंच चुके हैं पुलिस चौकी में, यह है पुलिस चौकी और ये चौकी वाले ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये रोड जा रही है कालाडुंगी तो सीधे वाली जा रही है और ये जा रही है गोटाबाग को। सो भाई बुलेट वाले भैया भी फुल पावर चला रहे हैं, मुझे लग रहा 350 को। एंड गाइस मैं कुछ दिनों में एग्जॉस्ट लाने वाला हूँ अपनी बाइक में एक्रोपोविक का। सो मेरे को कंफ्यूजन हो रही है एक्रोपोविक डलाऊँ या एससी डलाऊँ, तो मेरे को सजेस्ट करो कि मैं कौन सा एग्जॉस्ट डलाऊँ, क्योंकि मैं कंफ्यूजन हो रही मेरे को बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब एससी अगर मैंने डलवाया तो मेरे को आवाज़ तो मिलेगी, मतलब आवाज़ ऐसी मिलेगी मेरी सोचने की उससे भी बहुत ज़्यादा। और अगर एक्रोपोविक डलाया वीकलर भी लगा सकता हूँ और आवाज़ भी कम होगी एंड साउंड पॉल्यूशन भी कम होगा और वो सूट भी करेगा इसमें। सो आप भी मेरे को सजेस्ट करो यार कौन सा डलवाऊँ एंड मैं ऑर्डर करूँगा उसे आगे कुछ दिन में। सो डलवाते हैं और ये टुक टुक की आवाज़ को करते हैं बाय बाय कुछ टाइम के लिए एंड फ्रूम फ्रूम की आवाज़ को लाते हैं मिनी सुपर बाइक। सो भाई आज जलाल जी ने भी हमें वो कर दिया, ओवरटेक कर दिया पहली बार। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, पता नहीं इनको इतनी ताकत कहाँ से आ गई, आज कौन सी शिलाजीत खा के आए हैं ये। सो गाइस ये आ चुका है यहाँ का झरना टाइप का कहते हैं इसे, यहाँ लोग नहाते थे पहले, अब यहाँ कोई नहीं नहाता है। और ये रोड आ गई प्यारी, यहाँ होता है गाइस लीन, पर मैं लीन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास हाथ पेडियन बैठा हुआ है। एंड गाइस मार्केट पहुंच चुके हैं, गोटाबाग की मार्केट, मिनी मार्केट है गाइस, पर इसमें ना आपको ना एक सुई से लेके ना बड़े से बड़ा कुछ भी चीज़ आपको चाहिए हो सब मिल जाएगा। इनको फिर हम वो करेंगे ओवरटेक करेंगे। तो वेदर चेक करो गाइस, वेदर पहाड़ की तरफ तो फुल पावर गंदा ही हो रखा है। देखो गाइस वेदर, मतलब ना आगे तो कुछ गलत ही सीन हो रहा पहाड़ के साइड जहां हम जाने वाले हैं, मतलब बहुत फुल पावर वाला सीन, मतलब अलग ही होने वाला है। वहां बारिश भी हो सकती है और ये देखो गाइस नीचे गाइस ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ। ये गाइस यहाँ आईटीआई है, आईटीआई कॉलेज है ये, पॉलिटेक्निक सॉरी। एंड यहाँ से व्यू देखो यहाँ का, सब जने पहुँच चुके हैं। कहाँ जाना है, यहाँ को चलना है? सो भाई यहाँ का वेदर चेक करो, उधर बारिश हो रही है, उधर फॉग हो रहा है और वहाँ बारिश हो रही मे बी। एंड ये नदी है बहुत बड़ी। सो भाई निकलते हैं अब यहाँ से, सीधे चलो। सो ये रोड तो रहा। सो गाइस मैंने यहाँ स्प्लेंडर से लीन करी है, ये बंदे को देखो यार अल्टीमेट ही भाग रहा है आज यार, मतलब ये बंदा ना अकेले होने के ना मज़े ले रहा है गाइस, ये बंदा अकेले होने के मज़े ले रहा है।
फुल मजे ले रहा है ये। अगर मैं अकेले होता ना, यहाँ को चले। तो भाई आज नई रोड को जा रहे हैं, और दिन हम यहीं से आते काला डूंगी को, आज यहाँ को जा रहे हैं। यहाँ देखते कैसा सीन है, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। हमें भी नहीं पता है ये रोड कहाँ को जा रही है, सो मे भी अच्छी जगह हो। सो भाई पूरा नैनीताल का फील आ रहा है ये रोड में तो, और ठंड भी होने लग गई है। मैं सिंगल पहन के आ रहा हूँ यार, हाफ। मैंने कैमरा ऑन करा है गाइस, इसकी बैटरी भी डेड होने वाली गाइस, जिसकी पता नहीं क्या बैटरी का इशू आ रहा है इसमें भी। सो हमें बैटरी भी लेनी पड़ेगी एक एक्स्ट्रा। एंड गाइस ये रोड पता नहीं कहाँ जा रही है, सो मे बी ये पांडे गांव लिखा था, पांडे गांव को रोड जा रही है। तो देखते हैं ये रोड कहाँ जाती है, देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हमारा तो सीन ही यही है कि जहाँ कोई ना गया हो वहाँ जाना है। गाइस रोड बहुत गंदी है यहाँ की, गाइस रोड बहुत गंदी हो चुकी है यहाँ की, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम यार अननोन प्लेस कहीं ऐसे चले गए हैं कि यार जहाँ कोई आता ही जाता ही ना हो यहाँ रोड पे, अगर वहाँ रोड हो तो। जलाल जी और अंधेरे पता नहीं क्यों। एंड गाइस वेदर वेदर वेदर, सो गाइस अगर आप ऐसी प्लेसेस पर आए तो वेदर देख के आए कि वेदर का क्या हाल है। हमने वेदर देखा नहीं था, हमारे रामनगर में धूप आ रही थी और यहाँ बारिश का मौसम। तो कोई दिक्कत नहीं, लेंगे कैमरा तो हम बैग में रख देंगे, आज हम बैग लाए हैं सो वो बैग में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नॉट। एंड यहाँ का वेदर देखो यार, फुल पावर, मज़ा आ रहा है वेदर में, अलग ही सीन हो रखा है यहाँ तो। यहाँ रुकते हैं यार, एंड गाइस देखते हैं यहाँ का वेदर, सिनेमैटिक दिखाते हैं थोड़े। सो गाइस एक सीन हो चुका है, वो बुलेट वाले भैया थे, उनकी गाड़ी का स्किड हो चुकी है बाइक, सो उनको देख के आते हैं, पीछे जाते हैं क्या हो रहा है सीन। सो गाइस एक सीन हो चुका है, पीछे जो बुलेट वाले भैया थे उनकी गाड़ी स्किड हो चुकी है, तो उनको देख रहे हैं यार क्या हो रहा है सीन, दिखाते हैं यार आगे। और गोप्रो में मेरी बैटरी भी नहीं है, तो आगे चल के दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ से कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और वहाँ जाके स्विच करूँगा, ऑन करूँगा। सो मिलते हैं यार आगे। तो गाइस काला डूंगी पहुँच चुके हैं, और काला डूंगी यार ये बाइक स्किड हो गई, यहाँ पर लगी थी देखो, और स्किड हो गई थी यार रोड पे, क्या हाल हुआ। और भैया के भी हाथ पैरों में लगी है और वो फेस दिखाने को मना कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो निकलते हैं यार आराम आराम से निकलते हैं। आप यहाँ से वीडियो हो सकता है एंड भी करें, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो निकलते फिर यहाँ से। सो गाइस ये भाई का एक्सीडेंट हो चुका था, मुक्कू भाई का, तो यार इनके चोट लग गई थी और अच्छा हुआ फेस में नहीं लगा, और ये हेलमेट देखो स्क्रैच पड़ गए हैं बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, और भाई के हाथ में भी लग गई है, ठीक हो अब, ठीक हो ना, तो सही है यार, भगवान ने बचा लिया यार, फेस बचा लिया वो बेटर है, और फेस में नहीं लगी, और हेलमेट था और गले पे भी लगी हुई है देखो। सो राइड करते हैं कैंसिल और निकलते हैं यहाँ से। सो यार अब आराम से चलेंगे, और इनके ब्लड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल एक साइड से तो बिल्कुल रगड़ चुकी है। चलो गाइस यार आराम से निकलते हैं, अब कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे अब, और आराम आराम से चलते हैं। जय श्री राम। सो गाइस यार राइड को करते हैं एंड, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइड तो हमारी ख़राब हो चुकी है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को फुल, और यहाँ से निकलते हैं अब घर को सीधे, और राइड तो पूरी ख़त्म हो चुकी है अब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, फैला दो गाइस, फैला दो पूरी वीडियो को। सो राइड पूरी हो नहीं पाई, माफ़ करना, एंड हम आधे में से वापस आ गए। सो निकलते हैं, बाय।